उन्होंने कहा कि गांधी को मारने वाले लोगों ने मुझ पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बागपत दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि खुद पर हमले को लेकर ओवैसी ने बयान दिया, गांधी को मारने वालों ने उस पर हमला किया, मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर बात करता हूं, निडर हूं इसलिए मुझ पर हमला किया गया, हक की बात करता हूं इसलिए गोलियां चलाई गईं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बागपत में असदुद्दीन ओवैसी इस दौरान जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर, ये कहा कि गांधी को मारने वाले लोगों ने मुझ पर हमला किया। सुनवाते क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। हम दुनिया में जिंदा है तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये चार गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम आवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन सालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुजदिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो नारो गोली। और अभिषेक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम ये उम्मीद कर ही रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी आएंगे उस दिन के बाद से तो कुछ ना कुछ जरूर बड़ा बयान देंगे, और ठीक वैसा ही उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल, देखिए ओवैसी जिस तरीके से लगातार हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ उसको सीरियस लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की तमाम एजेंसियों ने काम करना शुरू कर दिया है और जांच लगातार हो रही है। वो लड़के जिनके वजह से ये हमला हुआ और जिनके ऊपर ये आरोप है वो भी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। लगातार जांच चल रही है, टीमें बना दी गई हैं, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं, गृह मंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। ऐसे में ओवैसी अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक चुनावी मुद्दा है, ये एक चुनावी भाषण है और अपने ऊपर हुए हमले को भजाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन लोग थे, किसके लोग थे, पार्टी के थे, नहीं थे, कहां के थे, ये सारी जानकारी बहुत जल्द निकल कर चली आएगी। लेकिन